सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पोलो मोटर्स। मेरा नाम है प्रथम सर, मैं फिर आ गया एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज, जैसा आप सभी को मालूम है, ये मेरी FZ है। एंड जिन लोगों को नहीं मालूम है तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ, ये मेरी यामा फेजर 160 है। एंड इसे हमने 9th मार्च को बनाया था ऐसा। एंड ये बाइक मेरे पास काफ़ी सालों से, मतलब 4-5 साल आराम से हो गए रहेंगे। तो इसे हमने 2-3 बार रिस्टोर किया है, बट एक ही बार का मैंने व्लॉग डाला है एंड वो व्लॉग मेरे पेज पे अवेलेबल है। तो हमने इसे मॉडिफाई किया था ओवरऑल, मतलब पूरा गाड़ी हमने खोला था, चेसी इंजन सब कुछ सेपरेट किया था, सब कुछ पेंट किया था एंड काफ़ी सारे नए पार्ट्स डाले थे, बॉडी पैनल्स नए डाले थे एंड उसके बाद में उसे भी पेंट किए थे, फिर उसके ऊपर रैप किए थे। सो गाइज, रिस्टोर करने के बाद अभी ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए हमारे ये बाइक का ये रैप के साथ में। एंड मैं आपको गाड़ी का करंट कंडीशन बता देता हूँ पहले। तो सबसे पहले तो हमारा फोक ऑयल सील चले गया, इसे हमने रिपेयर करवाया था एंड अगले एक वीक के अंदर वो वापस से ख़राब हो गया था। एंड सिमिलरली मैं आपको बताता हूँ, हमने ये रैप किया था एंड समझो 2 महीने में ही किसी ने ये चाबी मार के चले गया था इस पर। एंड काफ़ी कुछ डैमेजेस है इस पर, मतलब साइड में पार्क करता हूँ किसी ने कभी ब्रेक लीवर लगा दिया है। एंड दूसरे साइड पर मैं बताऊँ तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ का रैप किसी ने नाखून से निकाल दिया है। एंड सेम वेज टैंक के यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी किसी ने नाखून से निकाल दिया। तो ऐसा बहुत कुछ माइनर चीज़ें हैं जो हमारे रैप में ख़राब हो चुकी है, बट रैप एज इट इज़ ही है, मतलब निकला नहीं है जगह से, जो भी है डैमेजेस की वजह से निकला है। यहाँ देख सकते हो, फिर यहाँ पर भी है, ये भी है, पास से देखोगे तो दिखेगा। तो ऐसे बहुत कुछ है। एंड सेम वेज हमारा पीछे का पार्ट दिखाऊँ तो ये भी काउल हमने पेंट किया था एंड उसके ऊपर अभी भी काफ़ी सारे स्क्रैच आ चुके हैं, 1-2, ये ग्रैबर पे स्क्रैच आ गया है, फिर यहाँ पर आ गया। तो माइनर है। एंड बनने के बाद में गाड़ी एक ही बार गिरी है मुझसे, एंड तभी जो डैमेजेस हुए थे वो हैंडल लीवर ये सारी चीज़ें डैमेज हुई थी। एंड उसके अलावा रैप को या पेंट को डैमेज करने वाला कुछ हुआ नहीं था, तो ये सारा एक्सटर्नल डैमेजेस है जो दूसरों ने पहुँचाया। तो अभी थोड़े टाइम हो चुके हैं, इसे इतना ख़राब देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसे इस बार वापस से रैप कर दिया जाए एंड कुछ यूनिक किया जाए। तो मेजरली मुझे यही डाउट था कि मैं इसका रैप एज इट इज़ जो सेम किया है वही वापस करूँ या कुछ नया लाऊँ। मोस्ट ऑफ लोग जो मेरे सराउंडिंग में, मैं उन लोग से पूछा हूँ कि क्या किया जाए, मतलब सेम रैप वापस किया जाए या कुछ नया किया जाए। तो सारे कुछ लोग बोल रहे कि इसे कुछ नया लुक दे अभी करके, बट मुझे ये पुराना वाला लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, मतलब बाइक ओवरऑल कितना सेक्सी दिखता है, एकदम हॉट व्हील्स वाला फील आता है। एंड मैं काफ़ी सारे हॉट व्हील्स कलेक्ट करता हूँ बचपन से, मेरे पास अराउंड 100-150 हॉट व्हील्स रही है अभी। तो हॉट व्हील्स से थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन है, इस वजह से मैंने ये थीम दिया था इस पर। एंड व्हील का काम हमने सोचा था आगे येलो करेंगे या रेड को वापस से सही करेंगे, बट वो कभी किए ही नहीं, क्योंकि 8 महीने में ही गाड़ी का इतना ख़राब हालत हो गया है। तो सोचा कुछ नया ही दिया जाए अभी। तो मेरे को यही डाउट है कि इस पर कौन सा थीम दूँ मैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में है, गाड़ी का पेपर वर्क पे वाइट और रेड कलर है, तो वही थीम में एक कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि बाइक को ओवरऑल वाइट कलर पेंट किया जाए एंड उसके ऊपर फिर यहाँ से ब्लड के स्प्लैश उड़ते हुए ऐसे जा रहे हैं। एंड आप लोग समझ गए रहेंगे जो थीम मैं बता रहा हूँ, एक डॉज देखा था मैं, उसका फ़ोटो यहाँ पर डालता हूँ। तो ऐसा कुछ है, वो मतलब ब्लड आगे से आ रहा है उड़ते हुए, सेम वे जैसे ये येलो कलर है वैसा येलो की जगह सब रेड हो जाएगा एंड जहाँ रेड है वहाँ सब वाइट हो जाएगा। एंड व्हील भी सब मतलब मैट किया था मैंने, बट मुझे अभी थोड़ा ग्लॉसी चाहिए, इस वजह से कुछ नया करने का सोच रहा हूँ। तो अगर आप लोग के माइंड में कुछ थीम है मेरी बाइक को लेके तो आप लोग बता दो, तो हम उस पर ट्राई करेंगे। मतलब मुझे अगर कुछ आप लोग का दिया हुआ कॉन्सेप्ट या जो भी है क्या अपना कमेंट में टाइप कर देना आप लोग, वो कुछ जमा मुझे तो अपन उसके ऊपर बना सकते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं है नीडेड के रेड वाइट में ही रहे, कुछ अलग भी तुम लोग को पसंद आ रहा है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, तो मैं वो कॉन्सेप्ट में ट्राई करूँगा, एक डिज़ाइन वर्क बनाऊँगा एंड फिर मैं देखूँगा कि क्या अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एंड आपके साथ में गाड़ी में काफ़ी सारे मैकेनिकल वर्क भी काम आ गए हैं, तो जैसे मैं बताऊँ आप लोग को, इसका क्लच प्लेट वीक हो गया है एंड उसे वैसे ही चला रहा हूँ मैं थोड़े टाइम से। एंड सस्पेंशन चले गया है वापस से, मतलब इसका ऑयल लीक हो रहा है वापस से इसे बनाने के बाद में भी। तो अभी इसका फोक निकाल के मैं दूंगा एक बार टर्नर के पास, चेक करने को कि इसका फोक अलाइनमेंट गया है क्या या स्क्रैच आ रहा है क्या।
जो भी है वो चीज कंफर्म करेंगे एंड फिर क्लच प्लेट इसका बदलेंगे एंड चेन स्प्रॉकेट भी हमारा खराब हो चुका है। चेन एक पॉइंट पे आने के बाद में लूज टाइट होता रहता है, तो वो जो स्प्रॉकेट का एक राउंड रहता है वो थोड़ा शेप अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो उस वजह से चेन कभी लूज हो जाती है कभी टाइट हो जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं। बट एज इट इज़ मैं चला रहा हूँ गाड़ी को वैसे का वैसे, क्योंकि अभी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा खर्चा करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने प्लान किया है कि एक ही बार मैं पूरा पूरा गाड़ी एक साथ बना दूंगा, तो जो भी है मतलब रैप जब करेंगे तब हम इसका सस्पेंशन वगैरह सब कुछ करने वाले। एंड गाइस पीछे के सेक्शन में आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमने जो हगर है ये पल्सर N250 का डाला था एंड इसके लिए अलग से ब्रैकेट बनवाया था, तो इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो डाला था मॉनसून के टाइम पे। एंड नंबर प्लेट के ऊपर ये जो दो चीज़ें ये हमने टेल लाइट के तौर पर लगाई थी, बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये वाली लाइट जब सही थी तभी अगले दिन पे ये ख़राब हो गई, फिर ऐसा बनाया तो ये ख़राब हो गई ऐसा। ये लाइट इतनी ड्यूरेबल है नहीं, तो मैं इसका रिप्लेसमेंट को ढूंढूंगा एंड इस बार उसे भी कर दूंगा फिक्स। एंड काफ़ी लोग के मुझे कमेंट में क्वेश्चन आ रहे थे, डीएम में आ रहे थे क्वेश्चंस के ये मडगार्ड कौन सी बाइक का है, तो ये डोमिनार 400 का मडगार्ड है एंड ये मुझे काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल गया, मतलब 350 रुपीज़ में मुझे ये मडगार्ड मिल गया एंड उसे फिटिंग करवाने में मुझे ऑलमोस्ट 200 रुपया लग गया, तो समझो 500-550 में हमारा इसका काम हो गया। एंड ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब मैंने सोचा था पहले कि ड्यूक का लगाऊं मडगार्ड, बट ड्यूक का इतना क्लीन फिनिश नहीं दे रहा था बाइक के थीम के ऊपर, तो ड्यूक का मडगार्ड NS पे अच्छा लगता है, MT15 पे अच्छा लगता है, इस पे थोड़ा अलग शेप में जा रहा था, मतलब ये जो डायमंड हेड शेप देख रहे हो सेम वे इसका भी शार्प लुक है, इस वजह से मुझे ये वाला मडगार्ड इस पे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसे हमने ब्लैक रैप किया है ग्लॉस ब्लैक, इसके अंदर से ये ग्रीन कलर ही है, अब जब करवाएंगे तब कुछ यूनिक करेंगे, मतलब मडगार्ड सेम ही रखेंगे बट उसे कुछ नया लुक देंगे। एंड यहाँ पर पीछे का कुछ फिटिंग हो रहा नहीं था इस वजह से हमने इसे जिप टाई मार के यहाँ रखा था, तो जिप टाई यहाँ का टूट गया एंड जब से बनाया तब से सही था, मतलब ये साइड का अब तक देख सकते हो सही से लगा हुआ है जिप टाई, बट ये साइड का अभी रिसेंटली टूटा है, शायद कोई गाड़ी का कुछ लगा रहेगा इस वजह से टूट गया। बाकी अंडर बेली का प्लान कर रहा हूँ मैं, आरसी का अंडर बेली डाल देंगे एंड डोमिनार के भी अंडर बेली जो आते हैं वो भी अच्छे दिखते हैं, तो जो भी है सोच समझ के डालेंगे हम, या तो डोमिनार का डालेंगे या तो फिर आरसी का डालेंगे, वही दो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बट आरसी का NS पे ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इसके ऊपर डोमिनार का अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। एंड बाकी तो एग्जॉस्ट का आप लोग को पता है, पीछे हमने जो एक्स्ट्रा जो साइलेंसर था जो मफलर था उसका उसे हमने कट कर दिया था एंड उसका भी सेपरेट वीडियो डाला हुआ है मैंने, तो मेरे पेज पे जाके आप वो भी देख सकते हो। एंड इसका साउंड अभी काफ़ी स्टॉकी आता है, मतलब मैं आपको चालू करके बता देता हूँ एक मिनट। सो गाइज ये चेक कर सकते हो काफ़ी स्टॉक साउंड है एंड मुझे थोड़ा लाउड चाहिए था इस वजह से मैंने ये निकाला। एंड मफलर निकालने के बाद गाड़ी का साउंड थोड़ा बेस ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मैंने उसका मफलर काट दिया। एंड ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने ड्यूक 250 का एग्जॉस्ट निकालने के बाद में जो साउंड आया वो सुना, तो यूजुअली लोग ड्यूक का एग्जॉस्ट जो पीछे का वो निकाल देते हैं एंड इस पे ही चलाते हैं ताकि बेस ज़्यादा आता है। एंड मुझे भी जेन्युइनली काफ़ी पसंद है वो आवाज़, मतलब वो आवाज़ की वजह से मुझे ऐसा लगता है ड्यूक लेना चाहिए मुझे भी, उसका साउंड मुझे बहुत पसंद है वो मफलर निकालने के बाद। जो ये चेक करो आप लोग, मतलब स्टॉक FZ और ये वाला साउंड में है माइनर डिफरेंस है, मतलब सामने सुनोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, माइक वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा सही से, तो बेस ये वाले साउंड में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि चेक कर सकते हो आप लोग जो हमारा कैट है वहाँ से डायरेक्ट एयर बाहर फ्लो हो रहा है, ना कोई आगे मफलर है जिस वजह से आवाज़ और दब जाए, तो वो निकाल के मुझे अभी तक तो पुलिस का कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है क्योंकि साउंड हमारा ज़्यादा है नहीं और एग्जॉस्ट वाला फील आता नहीं है, तो पुलिस वाले लोग को कुछ इस पे डाउट आता ही नहीं है। बस काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसका साइलेंसर है किधर, तो वो बता देता हूँ मैं नीचे, क्योंकि NS में भी अंडरबेली एग्जॉस्ट आता है सेम वे, वैसे ही इसे भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि इसमें भी वैसे ही आता है, तो दैट्स इट, साइलेंसर में यही है और कुछ है नहीं। जो भी मेरा डाउट है वो आप लोग क्लियर कर दो पहले कि आगे मुझे रैप कौन सा करना चाहिए, यही कलर करना चाहिए या दूसरा कलर करना चाहिए, तो एटलीस्ट कम्युनिकेट करो मेरे साथ, तो मुझे भी समझ में एंड हेल्प आउट होगा मुझे क्या नया लुक लाना चाहिए। एंड ये बार मैं सोचा हूँ कि ऑडियंस के हिसाब से चलूँ, ऑडियंस को क्या चाहिए उस हिसाब से मैं गाड़ी को बनाऊँ, मुझे जैसा चाहिए मैं यूजुअली बनाता रहता हूँ, मेरा गाड़ी या कस्टमर का गाड़ी जो भी है वैसा, कस्टमर के जो आइडियाज़ रहते कलर्स रहते हैं उसके ऊपर फिर बाद में मैं मेरा थीम डालता हूँ और बना देता हूँ, बट मुझे इस बार चाहिए कि तुम लोग मुझे कुछ आइडिया दो, कलर कॉम्बिनेशंस दो, सब कुछ दो एंड कमेंट में बता दो मुझे, जो भी है अपन कर देंगे। वो अगला 2-3 ब्लॉग आएगा, अभी रिसेंटली फटाफट नहीं करने वाला, थोड़े व्यूज़ आएंगे मेरे वीडियोज़ पे, नया चैनल पे व्यू आता नहीं इतना, तो जब कोई देखेगा कमेंट आएगा तो
एक डेढ़ महीने बाद हम करने वाले, जब तक अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं एंड कमेंट सेक्शन में कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आता है, तो एक बार रिस्पॉन्ड आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं मेरे तरीके से कर दूंगा एंड वेट करूंगा आगे पब्लिक मेरे साथ कम्युनिकेट करे तो फिर आगे वापस ट्राई करेंगे यही चीज़। एंड गाइज, मैंने काफ़ी सारे बाइक्स मॉडिफाई किए तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो, NS 200 है, ड्यूक है एंड काफ़ी सारी बाइक्स हैं एंड यहाँ वहाँ ट्रैवल करता हूँ, वैली रन वगैरह जाता हूँ तो वहाँ के भी ब्लॉग्स डाला हूँ तो आप लोग वो भी इन्जॉय कर सकते हो एंड रैंडमली मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ इन्जॉय करता हूँ मैं वहाँ के डालता हूँ। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।